जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग कल्याण पत्रिका से लिया गया है। श्रद्धे श्री नाभाजी महाराज ने अपने भक्त माल के 55वें छप्पे में रघुनाथ भक्त के उदाहरण में उपयुक्त पंक्ति लिखने की कृपा की। इसकी टीका में प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है कि रघुनाथ नाम के एक भक्त ब्राह्मण थे। वे विवाह के बाद अपनी स्त्री को विदा कराकर घर वापस जा रहे थे। मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। जब रघुनाथ जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो ठगों ने बतलाया कि जहाँ आप जाएंगे। भक्त ब्राह्मण को जब इस उत्तर से संतोष न हुआ तो ठगों ने कहा कि हमारे आपके बीच राम जी हैं। ब्राह्मण इस पर भी जाने को तैयार नहीं हुए। तब उनकी स्त्री ने कहा कि भगवान का नाम इतना सहज में नहीं मिलता, अतः आप चलिए। ब्राह्मण को अपनी स्त्री का भगवत विश्वास देखकर प्रसन्नता हुई। वे चले। ठगों ने आगे जाकर उनको जान से मार डाला। स्त्री बार बार घूम घूम कर अपने पीछे की ओर देखती जाती थी। डाकुओं ने बतलाया कि पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने तुम्हारे पति को मार डाला है। तब स्त्री ने कहा कि मैं तो उनको देख रही हूँ जिनको तुमने बीच में डाला था। कि बीच दियो सो कहाँ राम, बीच दियो सो कहाँ राम, कह नारी पुकारी। आए सारंग पानी, शोक सागर ते तारी। इस पर भगवान सारंग पाणी, भगवान राम हाथ में धनुष बाण लेकर तत्काल पीछे आते दिखाई पड़े। उन्होंने आकर उन डाकुओं को मार डाला और ब्राह्मण को जीवित कर स्त्री का शोक सागर से उद्धार किया। इस प्रकार प्रभु की कृपा कलयुग में बड़ी सुलभ है और अत्यधिक देखी जाती है। इस संबंध में शास्त्रों के बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में आता है कि जो सतयुग में 10 वर्ष तक तप आदि करने से, त्रेता में 1 वर्ष के तप से और द्वापर में 1 महीने के श्रेष्ठ धर्म आचरण से फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन रात के अखंड भगवान नाम जप कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बृहत पराशर स्मृति में कलयुग के सत्कर्मों का फल सतयुग की अपेक्षा 10 गुना बतलाया गया है। सतयुग में जो 1 करोड़ मुद्रा देने का, त्रेता में 1 लाख का और द्वापर में 1000 देने का पुण्य होता है, कलयुग में 100 मुद्रा देने से ही वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में यह बात आती है कि सतयुग में जो पूरे युग भर तप करने से पुण्य होता था, त्रेता युग में जो 5 लाख वर्ष तप करने का पुण्य मिलता था, द्वापर में जो 1 लाख वर्षों तक तपो अनुष्ठान का फल होता था, वह कलयुग में 1 ही दिन नाम जप से हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आता है कि महाराज परीक्षित ने जब अपनी दिग्विजय यात्रा में कलयुग को देखा तो उसे मार डालना चाहा, किंतु जब उन्होंने देखा कि इसमें धर्म कार्य बहुत ही शीघ्र सिद्ध होंगे तो छोड़ दिया। कहते हैं कि अगणित भक्त संत मुनि ऋषियों ने जब सतयुग आदि में घोर तप तितिक्षा आदि में सफलता न देखी तो भगवान ने कलयुग में जन्म देने की प्रार्थना की, क्योंकि इसमें तत्काल ही नाम गुण कीर्तन श्रवण से प्राणी मुक्त हो जाता है, सिद्धि लाभ कर लेता है। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भव तर बिन ही प्रयास। कलयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कली हरी नाम ते पावहीं लोग। यों भी कहा जाता है
कि जब राजा आदि बड़े लोग आपत्तिग्रस्त होते हैं तो उन्हें कोई एक लोटा पानी, एक पाव सत्तू, एक टूटी झोंपड़ी आदि से ही सेवा कर वश कर लेता है। इसी प्रकार एक पैर मात्र बचे हुए धर्म को कलयुग में प्राणी थोड़ी भी सहायता कर उसे प्रसन्न कर अपना कल्याण कर लेता है। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज नाम महिमा और कीर्तन के संबंध में कहते हैं कि योग याग विधि तीर्थाटन आदि से नाम स्मरण श्रेष्ठ और सुलभ है और नाम स्मरण से मेरा उद्धार हुआ। जड़ जीवों को नाम स्मरण में प्रवृत्त कराने के लिए श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के अभंग बड़े उपयोगी हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, भगवान के द्वार पर पल भर तो खड़े रहो, चारों वेद, छहों शास्त्र, अठारहों पुराण हरि के ही गीत गाते हैं, दिन रात प्रपंच के लिए इतने कष्ट करते हो, भगवान को क्यों नहीं भजते? जिसे भक्ति नहीं वह अभक्त पतित है, हरि को नहीं भजता वह देव का मारा है। हरि नाम उच्चारणे से अनंत पाप राशि पल भर में नष्ट हो जाती है। हरि नाम उच्चारणे से अनंत पाप राशि पल भर में नष्ट हो जाती है। राम कृष्ण का नाम अनंत पाप राशि तप है। राम कृष्ण का नाम अनंत राशि तप है। क्षमा कीजिएगा, एक बार फिर दोबारा बोलता हूँ, राम कृष्ण का नाम अनंत राशि तप है। उसके सामने पाप के झुंड भागते हैं। हरि 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 शिव का मंत्र है। जिसकी वाणी यह मंत्र जपती है उसे मोक्ष मिलता है। शास्त्र का प्रमाण है, श्रुति का वचन है कि नारायण ही सब जपों का सार है। नाम उच्चारण में काल समय का कोई नियम नहीं, दोनों पक्षों में उद्धार है। राम कृष्ण नाम सर्व दोष हरण है। जड़ जीवों के लिए हरि ही एक तरण तारण है। एक नाम का ही तत्व मन से दृढ़ धर ले, हरि तुझ पर करुणा करेंगे। राम कृष्ण गोविंद नाम अति सरल है। गदगद होकर वाणी से इसका पहले जप कर। नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं, व्यर्थ और रास्तों में मत भटक। हरि के बिना यह सारा संसार झूठा व्यवहार है, व्यर्थ का आना जाना है। नाम मंत्र जप से कोटि पाप नष्ट होगा। कृष्ण नाम का संकल्प पकड़े रहे, कृष्ण नाम का संकल्प पकड़े रहे। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने राम कृष्ण हरि अथवा अन्य किसी भगवान नाम का अहर्निश उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है और कहा है कि इसी साधन के द्वारा मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया, वैकुंठ मिल गया तथा मैं भी कृत कृत्य हो गया। आप कहते हैं हरि आदि में हैं, हरि अंत में हैं, हरि सब भूतों में व्यापक हैं। हरि को जानो, हरि को बखानो, रुक्मणी देवी के स्वामी राणा बाप हैं, राणा बाप हैं। भगवान के नाम की महिमा अपार है, उसका वर्णन जितना भी किया जाए थोड़ा ही है, पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुनगाई। इस पर साधक को विचार करना चाहिए कि भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी नाम जप करने वालों के जीवन में खास परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा नाश होकर पूरा सुधार नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? विचार करने पर समझ में आ सकता है कि नाम जप की महिमा पर श्रद्धा विश्वास की कमी है। यदि उसकी महिमा पर श्रद्धा विश्वास हो तो जप करते समय सांसारिक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों, घटनाओं और पदार्थों का चिंतन, स्मरण और संकल्प नाम जप में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते तथा भगवान के नाम स्मरण, चिंतन और जप में जो प्रेम की, उत्साह की और रस की कमी है,
वह भी भगवान के नाम की महिमा पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो जाने के बाद नहीं रह सकती, तथा भगवान में प्रेम उत्साह और रस की वृद्धि होने पर हरेक कार्य करते हुए भी भगवान के नाम का और उसके भाव का स्मरण अपने आप बिना किसी परिश्रम के निरंतर चल सकता है। जैसे कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण खास नाम जाप करने के समय दूसरे व्यर्थ संकल्प होते हैं, अर्थात संसार का स्मरण चिंतन होता रहता है, वह भगवान में श्रद्धा प्रेम हो जाने से मिट सकता है। साधक को विचार करना चाहिए कि जिस समय जो काम करना नहीं है, जिसके करने का न तो वह समय है और न उसके करने की आवश्यकता ही है, उस समय उसका स्मरण चिंतन करने में अपने मनुष्य जीवन का अमूल्य समय बर्बाद करना कितनी बड़ी भूल है। उसमें भी भगवान की कृपा से उनके नाम जप स्मरण के निमित्त खास तौर पर जो एकांत का समय निकाला गया है, उस समय भी यदि भगवान के नाम जप और स्मरण में मन न लगकर सांसारिक चिंतन में ही लगा रहे, व्यर्थ संकल्पों का अभाव होकर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप स्मरण निश्चिंत भाव से स्वाभाविक न हो, तो भगवान के नाम की और उनके स्वभाव तथा स्वरूप की महिमा जो कुछ साधक ने सुनी और शास्त्रों में पढ़ी है तथा स्वयं जिसका वह वर्णन करता है, उस पर साधक ने विश्वास कहाँ किया। यह सोचकर नाम स्मरण में श्रद्धा, उत्साह और प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। भगवान नाम की महिमा में श्रद्धा विश्वास होने पर उसमें प्रेम होना निश्चित है, उसमें प्रेम होना निश्चित है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।